आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, और मैं जब सुबह आज उठी नहीं ना सुबह, तो बारिश हो रही थी और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है बाहर। तो कल मैं इम्तियाज मॉल गई थी और वहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स चीज़ें मम्मा ने मेरी बर्तन लिए थे और कॉस्मेटिक्स लिया था, और मम्मा ने अपने लिए पर्स चीज़ें नेल पॉलिशेस परफ्यूम ये बिस्किट्स स्नैक्स मतलब ये निम्को और बर्तन स्टील की चीज़ें ली थी मम्मा ने। तो अब मैं आपको चीज़ें दिखाना शुरू करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं बिस्किट से शुरू कर लेती हूँ। ये देखिए, बटर बिस्किट मेरी मम्मा ने अपने लिए लिया था, और ये मैंने अपने लिए चॉकलेटो मतलब चॉकलेट सैंडविच बिस्किट लिया था, और ये टक मेरी फैमिली ने लिए थे, और ये गाला हम लोग खाते हैं चाय वाली टाइम पे, और ये रियो भी मैंने लिया था, और ये चॉकलेटो मेरा फेवरेट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पैकेट में दो होते हैं। ये चॉकलेटो भी बहुत मज़े का होता है। और मेरी मम्मा ने अपने लिए कुछ निम्कोज भी ली थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी मम्मा ने निम्को ली थी अपने लिए, ये शादी वाली निम्को है, और ये एक चिप्स टाइप निम्को है, ये देखें, ये भी बहुत मज़े की होती है लेकिन ये नई आई है, और ये भी एक निम्को है, बहुत मज़े की होती है, ये मैंने खाई भी है। तो अब मैं कॉस्मेटिक्स शुरू करती हूँ। ये मेरी मम्मा ने अपने लिए पर्स लिया था मस्टर्ड कलर में, ये बहुत प्यारा है, और इसको हैंगिंग पर्स कहते हैं, इसको हाथ में नहीं ले सकते, इसको हैंगिंग पर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हैंगिंग के लिए वो होता है, मतलब हाथ से नहीं उठा सकते, हैंग कर सकते हैं। और ये मेरी बहन ने अपने लिए पर्स लिया था, ये भी बहुत प्यारा है, इसमें ये वाइट कलर है और ये पर्पल और पिंक मिक्स कलर है, और ये भी हैंगिंग पर्स है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। सुबह से मेरी बहन ने अपने लिए परफ्यूम लिया है, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये इसकी खुशबू बहुत मतलब ना बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, माशाल्लाह। और आई कुड विश आप सुन सकते होते, लेकिन इसमें ना बताऊँ कैंडी स्मेल आती है, और ये परफ्यूम की पैकिंग थी, और ये डब्बे के अंदर जो था ये डब्बा था, और ये परफ्यूम, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये आप ना मतलब हर जगह लगा के जा सकते हैं। ये इत्र टाइप होता है ना, इत्र टाइप, वो ऐसे है, इत्र टाइप है। तो ये आप हर वक्त लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। और ये बहुत मज़े की बात कि मेरी मम्मा ने ना अपने लिए नेल पॉलिशेस ली थी, तो ये वाली नहीं मिल सकी, तो उन्होंने एक नेल पॉलिश एक्स्ट्रा दे दी थी मेरे को 500 में। और अब मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ जो मेरी मम्मा ने लिए हैं। मेरी मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर चीज़ें नहीं ली, ये मम्मा ने अपने लिए फ्रूट बास्केट ली है, जब हम लोग रमज़ान में फ्रूट चाट भी बना सकते हैं उसके लिए भी यूज़ होती है। और ये चावल को वो जब चावलों को हम लोग गीले पानी में रखते हैं ना, तो इसमें से चावल नहीं सिर्फ पानी निकलता है, ये वो वाली बास्केट है। सो गाइस, ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और भी चीज़ें मेरी मम्मा लाई हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसको ऐसे मैंने कुछ स्टेशनरी ली थी, इससे पहले मैं कॉस्मेटिक्स दिखा देती हूँ आपको मम्मा ने और जो चीज़ें ली हैं। कि मम्मा ने सेफ्टी पिन्स ली थी, ये भी ब्रांडेड सेफ्टी पिन्स हैं, और ये नेल फाइलर लिया था मम्मा ने कलर साइडेड। तो अब मैं आपको अपनी स्टेशनरी दिखाती हूँ, बस थोड़ी सी ही है। तो ये मैंने कुछ मार्कर्स लिए हैं क्योंकि मैं कभी कभार रात को टीचिंग खेलती हूँ, बोर हो रही होती हूँ, हर रोज़ खेलती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ कलर्ड मार्कर्स लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। रेड लिया है, ग्रीन लिया है, ब्लू लिया है, और ब्लैक, और ये एक रेड मार्कर क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो रेड पेन से करती हूँ, ये रेड पेन मैंने लिया है। और
चिप्स भी लिए थे वो मैं खा चुकी हूँ, और मेरी मम्मा लोगों ने कुछ जेलीज ली थी मैंने भी ली, मैं वो जो टीथ वाली जेलीज नहीं होती वो भी मैंने लिए थे। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि इम्तियाज़ मॉल का DHA 2 है ना, उसके ऑफिस के थोड़ा सा आगे जाके सामने इम्तियाज़ मॉल है, और बहुत बड़ा खुला है मेगा, और वो मतलब बहुत बड़ा है। उस जो चीज़ है ना उसमें सांस नहीं आती, लेकिन इम्तियाज़ मॉल में सांस आती है। और इम्तियाज़ मॉल बहुत बड़ा भी है, वहाँ पे रश थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर आप लोग को पैदल चलना है ना रात को, क्योंकि मैं जब गई थी ना अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने रोड क्रॉस की थी, ये लेन है, इस लेन में फुल रश है, और ये इम्तियाज़ मॉल है, और ये यहाँ पर बहुत रश है, तो गाड़ियाँ स्टक हो गई थी। और ये जो ये वाली रोड है ना, ये वाली, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी, क्योंकि इधर बहुत रश था, और ये इम्तियाज़ मॉल था, और यहाँ बहुत रश था, और यहाँ पे रश नहीं था क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आगे जा रही थी, यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ जा रही थी। तो हमने ना हम लोग ने इधर गाड़ी पार्क कर दी, और हम लोग पैदल चले चले चले, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, चले 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 चले, फिर हम लोग इसको जंप करके आगे गए, इधर राइट लेफ्ट देखा कि गाड़ियों के बीच में से गए, और सामने इम्तियाज़ मॉल में आ गए, क्योंकि रात का वक्त था, और रात में बहुत रश था, सुबह में मज़ा नहीं आता, रात में मज़ा आता, लेकिन अगर आप लोग को रश दिखाना तो आप लोग रोड क्रॉस केयरफुली से करना, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। और अगर हम लोग जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हो तो पहले राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, और फिर जाइए आगे, तो क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सेफ्टी को नहीं कर सके तो हम लोग मतलब हम लोग को कभी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, कभी ख्याल पता ही नहीं होगा कि सेफ्टी क्या होगा, सेफ्टी क्या नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ सेफ्टी का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि कोरोना थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कोरोना का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इम्तियाज़ मॉल इतना अच्छा है, इतना अच्छा, और वो बड़ा है, उसमें 3 फ्लोर्स इतने बड़े बड़े हैं। वहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे बिरयानी मिलती है, टिक्का रोटी मिलती है, मलाई रोटी मिलती है, वाइट पास्ता मिलता है, पुलाव मिलता है, कढ़ाई मिलती है, चिकन कढ़ाई मिलती है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो मुझे मलाई रोटी मतलब पसंद है ना, तो इम्तियाज़ मॉल में ना फूड कोर्ट भी है, तो मैंने मलाई रोटी, मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैंने मलाई रोटी ली थी, बिरयानी भी मेरी फेवरेट है, बिरयानी भी ली थी, और मैंने चाउमीन चावल भी लिए थे, उसके ऊपर जो सालन नहीं डलता चाइनीज़ राइस के ऊपर, वो भी लिया था। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने घर आके खा लिया खाना। और फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ, वहाँ से मैंने पजामास लिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ पजामास, ये जो मैंने चीता पजामा लिया है ना, ये जो मैंने चीता पजामा लिया है, तो ये मेरा फेवरेट है, और ये मैंने मुझे पसंद था तो ये मैंने उठा लिया। और मैंने और भी पजामेज लिए थे, मुझे बहुत प्यारे प्यारे पजामाज मिले थे, तो मैंने वो भी उठा लिए थे। और मेरे बहुत फेवरेट पजामाज वहाँ पे थे, चीता प्रिंट, बार्बी प्रिंट, टेडी बियर प्रिंट, हर तरह के प्रिंट्स थे वहाँ पे। और वहाँ पे स्टेशनरी भी थी, कॉस्मेटिक्स भी था, और वहाँ पे मतलब किचन की भी चीज़ें थी, खाने पीने की भी चीज़ें थी, स्नैक्स भी थे, और वहाँ पे स्टेशनरी भी थी, वहाँ पे बर्तन लेने वाली चीज़ें भी थी, डेकोरेशंस भी थे, और हाँ वहाँ पे मतलब डिवाइसेस भी बहुत सारी थी, टैबलेट्स पड़े हुए थे वहाँ पे, वॉशिंग मशीन थी, फ्रिज थे, डिस्पेंसर थे, और टीवीज थे, टैब्स थे, एप्पल के टैब्स थे, तो वहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग प्लीज़ इम्तियाज़ मॉल जाइएगा, मतलब थोड़ा सा सस्ता भी है, थोड़ा सा जब आप ज़्यादा चीज़ें लेना तो मतलब थोड़ा सा महंगा होता है, जब आप लोग मतलब इतनी बस चीज़ें ले लेना, इतनी चीज़ें ले लें ये भी बस, तो आपका कम बिल आएगा, क्योंकि मतलब ये चीज़ें तो सस्ती हुए ना, सब सारी चीज़ें वहाँ पे सस्ती हैं, तो आपको सस्ती चीज़ें भी मिल जाएंगी, और
आप लोग का मतलब पैसे भी नहीं ज़्यादा खर्च होंगे, और वो बड़ा भी है मॉल, मेगा मॉल है, और मतलब करीब ही होगा। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तो उनके लिए बहुत सही होगा इम्तियाज़ मॉल, क्योंकि मतलब चीज़ मॉल में क्या है, चीज़ मॉल में सिर्फ कॉस्टोमेटिक्स है और बस कपड़े हैं। फूड कोर्ट गीगा मॉल में भी है, गीगा मॉल ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इम्तियाज़ मॉल बेस्ट है, बेस्ट। सो मैं आपको अभी मौसम दिखाती हूँ, तो चलिए मौसम देखने। सो गाइस, ये मौसम हो रहा है बाहर, क्या आप लोग देख सकते हैं, बादल यहाँ पे बहुत सही से आए हुए हैं, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, सामने का व्यू देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग सामने का व्यू देख लो, सामने का व्यू है, ठीक है। और ये मेरे पीछे का व्यू है, ये देख लें, मेरे पीछे का व्यू है, और ये मेरे लेफ्ट का व्यू है। तो इम्तियाज़ मॉल जाइएगा, और अगर आपके किसी भी मतलब कंट्री में बारिश हो रही है, तो गरम गरम पकौड़े बनाइएगा और खाइएगा, साथ में गरम गरम चाय भी पिएगा, क्योंकि मेरा दिल इतना चाहता है कि जब बारिश होती है ना, तो मैं मम्मा को फ़ौरन कहती हूँ, चाहे नाश्ता भी हो, चाहे डिनर भी हो, चाहे खाना भी हो ना, चाहे मेहमान भी आए हो, मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा बस आप पकौड़े बनाएं, बारिश में मैं बाहर बैठ के ना खाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग ने कुछ चेयर टेबल्स लेनी है, ये चेयर्स हैं हमारी, ये भी चेयर्स हैं, तो हम लोग बाहर जब भी बारिश होती है तो चाय बना लेते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, या कोई अच्छे से मौसम होते हैं, जब मेहमान आते हैं तभी बाहर बैठते हैं, जब हवा चल रही होती है तभी बाहर बैठते हैं। तो ये मेरे बाहर का व्यू है, आप लोगों ने देख लिया। सो गाइस, यहीं पे मेरा वीडियो एंड होता है। तो अगर आप लोग को मेरी सारी ग्रॉसरी सही अच्छी लगी, तो आप लोग भी इम्तियाज़ मॉल जाइएगा और वहाँ से खरीद लीजिएगा थोड़ी सी थोड़ी बहुत, या अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें। तो इससे पहले कि आप जाएं, जाते जाते अपने मोबाइल पे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें सबको, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब इसको रेड से ग्रे कर देना। सो गाइस, और लाइक भी कर देना। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को स्प्रेड कर देना पूरे सिटी में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। सो गाइस, यहाँ पे मेरा वीडियो एंड होता है। सो अल्लाह।